कोविड से निपटने की तैयारियों का पता लगाने के लिए देश भर में आज से मॉक ड्रिल। कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये देशव्यापी मॉक ड्रिल कल भी होगी, जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों के भाग लेने की संभावना है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने आज झज्जर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 7 अप्रैल को हुई समीक्षा बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से अस्पताल जाने तथा मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें 8 तथा 9 अप्रैल को जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ तैयारियों का समीक्षा करने की भी सलाह दी थी। एडीटीवी के साथ एक विशेष बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण देखभाल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि तैयारियों की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। कोविड की संभावित चौथी लहर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पिछला कोविड म्यूटेशन ओमिक्रॉन का BF7 सब वेरिएंट था और अब XBB.1.16 सब वेरिएंट संक्रमण में वृद्धि का कारण बन रहा है। हालांकि उन्होंने ये सब वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है। देश के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में कोविड 19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। कई राज्य ने मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है, जबकि अन्य ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा और पुदुचेरी ने एहतियात के तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा के स्कूलों में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। केरल ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जीवन शैली की बीमारियों वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने एक उच्च प्राथमिकता निर्देश जारी किया है, जिसमें अधिकारियों को सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश ने भी नागरिकों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने जीनोम अनुक्रमण बढ़ाने के अलावा कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने को लेकर जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया है।